हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी ये दूधिया बूटी लगी हुई है, तो आज मैं इस बूटी की जानकारी दूंगी। इसको बोलते हैं खट्टी बूटी, तो काफ़ी लाभदायक है ये बूटी। तो क्योंकि गार्डन में काफ़ी आना मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे मच्छर बहुत हैं, तो ये जड़ी बूटी है काफ़ी लाभदायक है। इसकी जो तीन पत्तियों से भी जाना जाता है, इसको तीन पत्तियों वाली बूटी बोला जाता है और खट्टी बूटी बोला जाता है और चंगेरी भी इसका नाम है। तो इसके जो फूल होते हैं आप देखेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इसके आप देख लेंगे यहाँ पे छोटा सा ये लग रहा है, पीले रंग के इसके फूल खिलते हैं। बस यहाँ दो ही प्लांट लगे हुए थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी पत्तियों की सब्जी बनाकर भी खाते हैं लोग, तो इसको फिर जब ये फूल खिलते हैं तो फिर यहाँ पे फलियाँ लग जाती हैं, तो इसके फूल की जब फलियाँ गिरेंगी तो और नए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ये जो पत्तियाँ हैं काफ़ी लाभदायक हैं। अगर आप इसकी सब्ज़ी बनाकर खाना चाहें तो सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं। अगर आपको कहीं घाव है तो इसकी पत्तियों को पीस के अपने घाव पर लगा सकते हैं और घाव जल्दी ही भर जाएगा। अगर आप कहीं चोट लगी है तो खून नहीं रुक रहा, तो आप क्या करें, इसकी पत्तियों को पीस कर उस जगह पर लगाएं जहां आपका खून बह रहा है, तो खून बहना बंद हो जाएगा। अगर आपको वात रोग है तो आप इसको वात रोग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो बुखार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप काढ़े के रूप में ले सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बाल झड़ने में आप क्या करें, इसका रस निकाल कर अपने बालों में लगाएंगे तो उससे आप बाल के झड़ने रुक जाएंगे। तो काफ़ी गुण है इसमें, अगर आप इसको कहीं आपको मिल जाती है तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, तो काफ़ी लाभदायक है। जड़ी बूटी कोई नुकसान नहीं देती, तो आप इसको सिर्फ सब्जी बनाकर भी खाएंगे तब भी आपको काफ़ी लाभदायक लाभ देगी ये बूटी। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो धन्यवाद।